खबर शिवपुरी से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिक से अधिक पौधे लगाने की जनता से अपील कर रहे, साथ ही पौधे लगाने वालों के हौसले बढ़ाने अंकुर अभियान के तहत पुरस्कृत भी कर रहे। दूसरी ओर शिवपुरी के फतेहपुर रोड पर भूमाफिया द्वारा बिना परमिशन के हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवाकर जमींदोज करवा दिया गया। मीडिया कर्मियों के द्वारा सूचना देने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कटे हुए पेड़ों को जब्त कर नगर पालिका के सुपुर्द मामला कर दिया। अभी तक पेड़ कटवाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं नगर पालिका सीएमओ का कहना कि उनके संज्ञान में मामला आया है, पेड़ों को जब्त किया गया है, साथ ही जांच के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कल मैं भोपाल प्रवास पर था और मुझे जानकारी मिली थी कि किसी ने पेड़ काटे हैं और उक्त कार्रवाई तहसीलदार साहब द्वारा की गई है। हमको सिर्फ पेड़ सुपुर्दगी में दिए गए हैं, वो हमारे सुपुर्दगी में रखे हुए हैं। नहीं, हाँ, नगर पालिका ने कोई परमिशन नहीं दी गई है। अभी उन्होंने कार्रवाई की है, कल उन्होंने पंचनाम बनाया है और हम भी हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हमारे अगर नहीं तो परमिशन नहीं दे तो हमारी तरफ से भी केस बनाया जाएगा। अब कल चूंकि कार्रवाई उन्हीं की तरफ से की गई थी, मैं यहाँ था नहीं, इस मामले में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। अभी लकड़ी हमारे नगर पालिका के स्टोर में रखी हुई है, हम दिखवाते हैं और बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, विधिवत कार्रवाई। खबर भारतवर्ष के लिए शिवपुरी से कपिल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।